हेलो स्टूडेंट्स, मैं नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये कक्षा 12वीं का 7वां पाठ है इतिहास विषय में। इस पाठ में हम लोग विजयनगर के उत्कर्ष, विकास और पतन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि उसके कौन कौन सी विशेषताएं थी। आइए आरंभ करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, इसका नामकरण बच्चों इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा, जिसका नाम था विजयनगर, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। बच्चों, वर्तमान में विजयनगर को हम्पी के नाम से या हस्तिनावती के नाम से जाना जाता है और यह कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्कारा ये दो भाइयों ने की और यह तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जहाँ पर अनेगुडी दुर्ग है। इसके प्रेरणा के जो स्रोत थे, विजयनगर साम्राज्य की प्रेरणा के स्रोत संत माधव विद्यारण्य थे और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण। इन दो संतों की प्रेरणा से हरिहर और बुक्काराय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसको कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं और पुर्तगाली साम्राज्य को विसनागा राज्य के नाम से जानते थे। इसकी जो राजधानियां थी, प्रारंभ में अनेगुंडी या अनेगोंडी था, बाद में बच्चों यह विजयनगर शहर बसाया गया और वहां पर इसकी स्थापना की गई। कालांतर में यह पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी की तरफ सिमट गए, वहां पर स्थानांतरित हो गए। शिक्षार्थियों, विजयनगर को या हम्पी को यूनेस्को एक विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने विजयनगर को दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक कहा है। विजयनगर साम्राज्य और उसके प्रमुख नगर मानचित्र में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख शहर हैं वह आपके सामने हैं। देख सकते हैं बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, ये जो तीनों आप देख रहे हैं यह बहमनी राज्य के अंतर्गत थे। उसके विघटन के बाद इनकी स्थापना हुई और विजयनगर आप देख सकते हैं यह उसकी राजधानी है। चंद्रगिरी कालांतर में यहाँ पर राजधानी शिफ्ट हुई और उस समय के प्रमुख और नगर हैं कांचीपुरम, कोलार, मैसूर, तंजावुर, मदुरई और तिरुवनवेली। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार यह एग्जाम में आया था। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, यह एक विहंगम दृश्य है, ऊपर से लिया गया है। आप देख सकते हैं विजयनगर में विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है, उसके किनारे आप तुंगभद्रा नदी को देख सकते हैं। एक और वहां का संरचना है हाथियों का अस्तबल। पुनः विरूपाक्ष मंदिर का क्लोज शॉट है, नदी से लिया गया चित्र है। शिक्षार्थियों, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोत, हमें निम्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। पहला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें महल, मंदिर, नहर आदि शामिल है। इसके अलावा अभिलेख, बगा पेल्सी का तांबे से बना शिलालेख, वितरागुंटा ग्रांट ऑफ संगमा, जो संगम वंश के राजा थे उनके द्वारा जो ब्राह्मणों को दान दिया गया था, वह कॉपर प्लेट्स,
इसी प्रकार से हरिहर द्वितीय के द्वारा चन्न राय पेट का शिलालेख, देवराज द्वितीय के श्रीरंगम का तांबे से बना शिलालेख, इसी प्रकार इमादी नरसिम्हा के देवुलापल्ली का तांबे से बना शिलालेख। इसके अलावा बच्चों साहित्यिक साक्ष्य हैं अल्लाह सानी पेडन द्वारा रचित मानचरितम, इसी प्रकार गंगा द्वारा रचित गंगदास प्रताप विलासम, इसी प्रकार कृष्णदेव राय द्वारा खुद जो उन्होंने राजा होते हुए की अमुक माल्य, इसी प्रकार राजनाथ डिडिम्बा द्वारा रचित सनु वभिवेदम, इसी प्रकार तेनाली रामकृष्ण द्वारा रचित पांडुरंग महात्म्यम, ये शिक्षार्थियों साहित्यिक साक्ष्य। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण हैं जिसमें रिहला आपने सुना होगा, इब्न बतूता ने लिखा है इसका, इसी प्रकार मतला उन्देन व मजमा उल बहरीन ये अब्दुल रजाक की रचना है, इसी प्रकार दुआरते बरबोसा डोमिंगो पेस पढ़ना नूनिस का विवरण विजयनगर को जानने और समझने में बहुत ही सहायता देता है। विट्ठल मंदिर का रथ एक और आपके सामने अवशेष है, ये स्थापत्य संबंधी है। कमल महल, ये देखिए महल कमल की शेप में बनाया गया है और इस तरफ आप देख सकते हैं ये कृष्णदेव राय उनकी उनकी मूर्ति है। देखिए भव्य गोपुरम, उस समय जो विजयनगर के राजा थे वह मंदिरों में भव्य गोपुरमों का निर्माण कराते थे। बच्चों इन गोपुरमों को प्रवेश द्वार कहा जाता है। हमारे यहाँ जो उत्तर भारतीय मंदिर होते हैं वहाँ छोटे प्रवेश द्वार होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं यह सात सात आठ आठ मंजिला हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और दूर से ही आप इनको पहचान सकते हैं। जितने भी दक्षिण भारतीय मंदिर मिलेंगे बच्चों, जो मंदिरों की निर्माण शैली है उत्तर भारतीय मंदिरों को नागर शैली कहा जाता है, जो दक्षिण भारतीय मंदिर हैं उनको द्रविड़ शैली कहा जाता है, और जिनमें दोनों के तत्व पाए जाते हैं उन्हें बेसर शैली कहा जाता है। तो तीन प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, स्थापत्य हैं। तो जितने भी आपको दक्षिण भारतीय मंदिर मिलेंगे उसमें आपको यह विशाल प्रवेश द्वार या गोपुरम देखने को मिलेंगे। तो यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। इसी प्रकार से विजयनगर में हमें बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आप देखिए सोने के सिक्के, इनसे भी हमें वहाँ के विषय में पता चलता है। आप देखिए जो मध्य में है सिक्का, उसमें दो मोर बने हुए हैं, उनके दो मुख हैं और उसके चारों ओर देखिए हाथी बने हैं गज, तो विशेष सिक्के हैं। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार बच्चों विजयनगर में बहुत सारे लेखकों ने अपनी रचनाएं की हैं जिनके द्वारा हमें विजयनगर के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें जो प्रमुख है बच्चों अमुक्त माल्य, ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिए। इसी प्रकार मनुचरित है तेनालीराम का और पांडुरंग महात्म्यम, यह भी तेनालीराम द्वारा रचित है। इसी प्रकार देखिए जामवती कल्याण, यह भी कृष्णदेव राय द्वारा ही रचित है। विजयनगर में विदेशी यात्री, जैसा मैंने पहले बताया विजयनगर में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी इस नगर का सुंदर वर्णन करता है और कहता है कि नगर का घेरा 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और इस नगर में 90,000 लोग ऐसे हैं जो शस्त्र धारण करने योग्य हैं और राजा भारत के अन्य राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए किस प्रकार से विशद वर्णन करता है। इसी प्रकार फरिश्ता भी लिखते हैं बहमनी वंश के राजकुमार सिर्फ दिलेरी के बल पर अपनी श्रेष्ठता बनाया, अन्यथा शक्ति समृद्धि और क्षेत्रफल में विजयनगर यानी विजयनगर के राजा उनसे कहीं बढ़कर हैं। इसी प्रकार फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराज द्वितीय समय में विजयनगर की यात्रा की और उसने कहा कि उनके राज्य में
300 बंदरगाह हैं और इनमें से प्रत्येक कालीघट के बराबर है। और इसके राज की भूमि इतनी फैली हुई है कि उसकी यात्रा करने में 3 महीने लग जाते हैं। और कह रहे हैं कि देश के अधिकांश हिस्सों में खेती होती है और भूमि बहुत ही उपजाऊ है और सेना की संख्या 11 लाख। इसी प्रकार बच्चों अब्दुल रजाक कहता है कि उसने जितने भी संसार के सुने देखे सुने नगर हैं उसमें से सबसे भव्य है। और वह बताता है कि नगर को नगर इस तरह से बना है कि 7 किले और इतनी ही दीवारें एक दूसरे को घेरे हुए, 7 किलों का क्षेत्रफल जो अन्य किलों के केंद्र में बना है हेरात के बाजार से 10 गुना बड़ा है। और कारक महल के पास ही 4 बाजार है जो बहुत ही लंबे चौड़े थे। तो इस तरह से वह इसकी विशद व्याख्या करता है, उसकी तारीफ करता है। जैसे मैंने बताया कि इन यात्रियों के अनुसार इसमें से यात्री कहता है कि यह पश्चिम के सबसे बड़े नगर रोम से भी बड़ा था और भव्य। बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक अंकी प्रश्न, विजयनगर की खोज किसने की? तो विजयनगर की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में की। आप देख सकते हैं उनके प्रमुख नगर फिर से मानचित्र में, जिसमें बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, यह बच्चों बहमनी राज्य के विघटन के बाद बने थे। और फिर विजयनगर की स्थिति देख सकते हैं और छोटे छोटे और दुर्गों की स्थिति आपको दिखाई गई। अब देखिए जो अवशेष मिले हैं, यह नहर है बच्चों, हीरिया नहर, उसका अवशेष है। इसी प्रकार देखिए बाजार का एक दृश्य है जहां बाजार और ये प्रवेश द्वार, और देखिए दुर्ग का एक हिस्सा जो जो दीवारों से घिरा हुआ था उसमें प्रवेश द्वार किस प्रकार से बनाया गया था, ये देखिए ये इस्लामिक वास्तुकला का एक नायाब नमूना आपको दिख रहा है प्रवेश द्वार। इसमें हिंदुस्तानी और इस्लामिक दोनों कलाएं इसमें हैं। और आप देख सकते हैं गोपुरम कितना भव्य और विशाल है। कॉलिन मैकेंजी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कॉलिन मैकेंजी के बारे में। बच्चों कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे। ये एक अभियंता थे, इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे तथा मानचित्रकार थे। और इन्होंने भारत के अतीत को और बेहतर से समझने के लिए, प्रशासन को आसान बनाने के लिए इन्होंने स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया था। हम्पी के खंडरों को खोजने का श्रेय भी कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है। और ये भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। 1815 में इनको भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक वह इस पद पर बने रहे। हम्पी की खोज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा हम्पी को 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया। इसके बाद अलेक्जेंडर गिनलाव ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की जो बाद में विद्वानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। और फिर 1876 में जेफ फ्लीट ने हम्पी में मंदिरों की दीवारों से शिलालेखों का संकलन और प्रलेखन शुरू किया। इसी प्रकार जॉन मार्शल ने 1902 में हम्पी के संरक्षण की शुरुआत की और शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी की यादों, पंपा देवी मंदिर, शिलालेखों, विदेशी यात्रियों के विवरण, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए साहित्यिक स्रोतों से हम्पी के विषय में जानकारी इकट्ठा की गई और इसके इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया। और 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल या केंद्र के रूप में घोषित किया गया। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वह गजपति, गजपति का मतलब हाथियों का स्वामी,
यह शासक वंश है जो उड़ीसा में शासन करता था। अश्वपति विजयनगर की लोकप्रिय परंपरा में दक्कन के सुल्तानों को घोड़ों के स्वामी या अश्वपति कहा जाता था, जो बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने थे। इसी प्रकार नरपति विजयनगर साम्राज्य में राय या शासकों को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता है। म्लेच्छ यह संस्कृत शब्द है जो उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले यूनानियों और अन्य लोगों के लिए प्रयोग किया गया। इसी प्रकार बच्चों शिखर मंदिर का जो सबसे ऊपरी या बहुत ऊंची छत को शिखर कहा जाता है। यह दूर से ही दिखता है और शिखर के ठीक नीचे बच्चों मुख्य भगवान या देवी की मूर्ति हम पाते हैं। गर्भगृह यह मंदिर का केंद्रीय स्थान होता है जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। विजयनगर की उत्पत्ति यानी उसकी स्थापना के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं बच्चों। कुछ विद्वान इनको बोलते हैं इनकी उत्पत्ति तेलुगु आंध्र है, जबकि कुछ कहते हैं काकती उत्पत्ति है और कुछ कर्नाटका या होयसल तथा कुछ कांपिली उत्पत्ति मानते हैं। किंवदंतियों के अनुसार वे वारंगल के काकतीय के सामंत थे और बाद में कांपिली राज्य में मंत्री बने थे। तो इस तरह से इसके विषय में बहुत ही मतभेद है। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन ने उन राज्यों को हराकर उनसे वार्षिक कर लेने तक ही अपने आप को सीमित रखा। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कांपिली पर आक्रमण किया और कांपिली के दो राजमंत्रियों हरिहर तथा बुक्का राय को बंदी बनाया, दिल्ली ले गए और इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया और बाद में फिर से दक्षिण में अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए, विस्तार देने के लिए दक्षिण विजय के लिए भेजा। जब यह हरिहर और बुक्का राय दक्षिण भारत आए तो यह अपने उद्देश्य में असफल रहे और संत विद्यारण के प्रभाव में आकर इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः अपना लिया और उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जैसा मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कांपिली को रौद डाला और हरिहर बुक्का को बंदी बना लिया और इनको दक्षिण भारत भेजा, जब मदुरई के एक मुसलमान गवर्नर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि इनको जा करके बंदी बनाए, इन विद्रोहों को दबाने का प्रयास करें, तब हरिहर और बुक्का राय दक्षिण भारत पुनः आए और उन्होंने संत विद्यारण के प्रभाव में आकर पुनः अपना जो पुराना धर्म था उसको अपना लिया और विजयनगर में अपनी राजधानी की स्थापना की। शुरू में इस राज्य को मैसूर के होयसल राजा और मदुरई के सुल्तानों से मुकाबला करना पड़ा, परंतु मदुरई का सुल्तान जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था उसने होयसल राजा को हरा दिया, उसे मार डाला। इस मौके का फायदा उठा करके हरिहर और बुक्का राय ने अपनी इस छोटी सी रियासत विजयनगर का विस्तार किया और उन्होंने धीरे धीरे होयसल का जो प्रदेश था वो पूरा का पूरा अपने अधिकार में ले लिया और उन्होंने अपने भाइयों और संबंधियों को वह प्रदेश प्रशासन के लिए दे दिया, जिससे यह विस्तृत हो गया। विजयनगर के शासकों की सूची देखें बच्चों, लिस्ट देखें, तो इसने
310 वर्ष तक जो है शासन इसमें दिखता है, जिसमें चार राजवंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश है, दूसरा सलु वंश है, तीसरा तुलु और चौथा अरविदु। इनके प्रमुख शासकों को देखते हैं बच्चों। पहला संगम वंश है। संगम वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। और 1336 से 1356 तक बुक्का ने शासन किया, उसके बाद हरिहर को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 1377 तक उसने राज्य किया। इसके बाद हरिहर राय एक, बुक्का राय एक, फिर हरिहर राय द्वितीय, विरूपक्ष राय, बुक्क राय द्वितीय, देवराय प्रथम। इसके बाद एक नए वंश बच्चों, उसके बाद रामचंद्र राय, फिर वीर विजय बुक्क राय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन राय, विरूपक्ष राय द्वितीय, प्रौण राय। इसके बाद बच्चों एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम सलु वंश कहते हैं या सलुआ बोलते हैं। इसमें सलु नरसिंह देवराय, थिम्भूपाल नरसिंह राय द्वितीय। इसके बाद तुलु वंश की स्थापना होती है और वीर नरसिंह राय, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और सदाशिव राय इसके प्रमुख शासक हैं। सदाशिव राय के समय ही नया राजवंश सक्रिय हो जाता है। वह इसका फायदा उठाता है कि सदाशिव राय कमजोर हैं, तो एक नए वंश की स्थापना हो जाती है अरविदु, जिसमें अली राम राय, तिरुमल देव राय, श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, राम देव अरविदु और वेंकट तृतीय और श्रीरंग तृतीय हैं। इसके बाद बच्चों इसका विघटन हो जाता है और वडियार शासक इसको, मैसूर के वडियार इसको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। राजगद्दी के लिए संघर्ष तथा नए वंशों का उदय। हमेशा से ही बच्चों यह प्रयास रहता है, खींचतान लगी रहती है कि एक वंश दूसरे वंश पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है, उत्तराधिकार को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वही विजयनगर के शासकों के साथ भी हुआ कि जैसे जैसे किसी का उत्तराधिकारी कमजोर होता था तो राजगद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता और उसका फायदा उठा करके जो मजबूत होता था वह अपने वंश का उस पर अधिकार जमा लेता था और उस पर शासन संचालित करता था। इसमें देख लीजिए, संगम वंश के देवराज द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में अव्यवस्था आ गई क्योंकि वंशधर के ही उत्तराधिकारी होने का सिद्धांत निश्चित नहीं हो सका। इसलिए गद्दी के लिए युद्ध हुए, इसमें कई इलाके स्वतंत्र हो गए, राज के मंत्री शक्तिशाली हो गए और उन्होंने जनता को परेशान करना शुरू किया, उनसे उपहार कर वसूलना शुरू किया, इससे असंतोष पैदा हुआ और धीरे धीरे राजगद्दी पर नए राजवंश ने, जो वहाँ के मंत्री थे सालु नरसिंह, उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया और प्राचीन संगम वंश का अंत कर दिया और सलुओं ने आंतरिक कानून और व्यवस्था फिर से स्थापित किया और नए वंश का सूत्रपात किया और फिर बच्चों यह वंश भी जल्दी से समाप्त हो गया और फिर तुलु वंश का जो है शासन प्रारंभ हुआ और कृष्णदेव राय द्वारा नए वंश की स्थापना की गई। इसके बाद बच्चों उनकी मृत्यु के बाद फिर आपस में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा और सदाशिव राय कमजोर थे लेकिन असली जो शक्ति थी वो राम राय के हाथों में आ गई और इस तरह से नया वंश अरविदु जो है वह सामने आया, शासन संचालन करने लगा। और इसी के शासन काल के समय 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। बच्चों यह इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, इसको राक्षस तांगड़ी, राक्षसी तांगड़ी, तालीकोटा, बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तरफ जो बहमनी साम्राज्य से विघटित हुए राज्य थे उनकी सेनाएं थी और दूसरी तरफ जो विजयनगर की सेना थी वह थी।
इसमें विजयनगर की हार होती है और विजयनगर को बुरी तरह से लूटा जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए बच्चों यह राजधानी वहां से स्थानांतरित कर दी जाती है, जिसको मैंने आपको बताया था चंद्रगिरी, इसको वहां से हटा दिया जाता है क्योंकि यह शासक हार गए। दोस्तों, बोर्ड टॉपर्स चैनल देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, बोर्ड टॉपर्स क्लासेस चैनल आपके समर्थन से चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें, जिससे जैसे ही चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। साथ में अपने कमेंट्स देकर अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने अमूल्य सुझाव देकर के हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।